हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एक नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो यार आज मैं आ रहा हूं मोती नगर में, आ रहा हूं spicy.com पे, जो अपने स्पाइसी बर्गर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बोला जाता है कि मैकडी के बर्गर भी इसके सामने फेल है, तो वो तो खा के ही पता चलेगा। और ब्लॉगर्स ने भी यहाँ के वीडियो बना के, तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ के बर्गर कैसे होने वाले टेस्ट में। तो मेरे पीछे ही दुकान देख सकते हैं spicy.com, और ये पड़ जाती है आपके मोती नगर में सी ब्लॉक में पड़ जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ है शॉप के ओनर सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनिए। सर कितनी पुरानी दुकान है आपकी ये? सर लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गए। 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है। और क्या क्या आपके पास बर्गर की क्वालिटी मिल जाती है, कौन कौन से? सर हमारे पास बर्गर में अलग अलग बर्गर होते हैं, अपना आलू टिक्की हो गया, पनीर टिक्की हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, तो हर तरह का होता है। बट मंगलवार को नॉन वेज नहीं होता, मंगलवार को सिर्फ वेज होता है। वेज होता है, तो मुकेश से जान लेते हैं क्योंकि कौन सा बर्गर खाएगा। कौन सा बर्गर अभी आपका वेज में? वेज में भी आलू टिक्की है, पनीर टिक्की है, बाकी डिपेंड करता है सॉसेज कैसी लेते हैं, हल्का फुल्का, अच्छा खासा, भयंकर स्पाइसी। तो हमारा हिसाब से सारी सॉसेज अलग अलग हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो आप ही डिसाइड करोगे कौन सा खाना चाहिए हमें। आलू टिक्की का स्पाइसी कैसा लेंगे, हल्का फुल्का, अच्छा खासा? स्पाइसी खाते हम। देखिए सर, हल्का फुल्का लेंगे तो टिक्का शेजवान, चपोटले, शाही पनीर, अच्छा खासा लेंगे तो पेरी पेरी कढ़ाई, भयंकर लेंगे तो शेजवान, नॉन स्पाइसी लेंगे तो टिक्का चीजी, अच्छा खासा भयंकर भयंकर वाला करते हैं। भयंकर, इसके लिए भयंकर लगा तो मेरे लिए वाला एक अच्छा इसमें लेंगे सर, आलू में पनीर में। मैं तो आलू में लूंगा, आलू में। तो भयंकर क्योंकि स्लैंग है उत्तराखंड का, तो इसलिए हम भयंकर वाला खा रहे हैं आज। तो देखते हैं कैसा बनता है भयंकर वाला बर्गर। तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो ये है टिक्की है ना? ये टिक्की है, होममेड होती है, फ्रोजन कुछ यूज नहीं करते। अच्छा, होममेड टिक्की आपकी? टोटली होममेड। और वहाँ पे बर्गर लग रहे हैं। बस 14 तरह की सॉसेज हैं, आधी सॉसेज अपने अपना होममेड बनाते हैं। अच्छा। बाकी सारी वीवा क्लिनिका है उनकी यूज करते हैं, जैसे तंदूरी चपोटले वगैरह, वो वीवा की है। अच्छा, ठीक है ना। बाकी अब शाही पनीर, कढ़ाई पनीर हो गया या शेजवान हो गया, ये ज्यादातर सॉसेज वो अपनी खुद के बनाते हैं। हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, और यहाँ पे ये सॉसेस है भैया की 14 तरह की। भैया क्या प्राइस होने वाला है? सर आलू में कोई भी सॉस लीजिए 50, पनीर में कोई भी सॉस लीजिए 60, चिकन में कोई भी लीजिए 70, मटन में 80, 80 में 50, 60, 70, 80, और फिश 100। ठीक है, 90 का नहीं रखा आपने, एक 90 रख देते बीच में। वो भी है सर, वो भी आया नहीं है। आया नहीं है, अच्छा। और जो हमारा बना रहे हैं भयंकर वाला, वो कितना है उसका प्राइस? सर आलू में कोई भी कुछ भी ले, अच्छा कोई भी 50। ओके, ये भयंकर वाली है? ये भयंकर, उसमें नीचे टूटी, ये हल्का फुल्का स्पाइसी है। अच्छा, आज तो लगने वाली है, इससे ऊपर भी होती है महाभयंकर। महाभयंकर नहीं, महाभयंकर में दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी फिर अगले दिन सुबह। तो लो जी, आ गया अपना भयंकर बर्गर। और भयंकर बर्गर मंगाने का मेरे रीज़न ये था क्योंकि ये स्लैंग होता है हमारे वहाँ पे। और ये देख लो भाई, बर्गर कुछ इस टाइप का है, ये इसका बैक साइड का पोर्शन, और ये है जी इसका फ्रंट। और भाई देखो, स्टफिंग बहुत ख़तरनाक तरीके से भरी हुई है भैया ने, और क्या बताया था इन्होंने, भयंकर शेजवान करके। तो इसका फर्स्ट बाइट लेता हूँ, कैसा है टेस्ट में। भाई भयंकर के नाम से स्पाइसी है। अच्छा हुआ मैंने इससे ज़्यादा एक और था बर्गर जो इससे ज़्यादा स्पाइसी था, क्योंकि भाई काफ़ी स्पाइसी लग रहा है मेरे को, मिर्च काफ़ी लग रही है। और स्टफिंग भैया देख लो, ये मेयोनीज है, और ये टिक्की इनकी होममेड टिक्की है। और बात करूँ जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कंपेरिजन की मैकडी से, यार मैकडी के ना बर्गर काफ़ी छोटे आते हैं, साइज़ में काफ़ी बड़ा है, और स्टफिंग भी भरी हुई है बढ़िया बढ़िया। और बात करें कंपैरिजन की, कंपैरिजन नहीं कर सकते मैकडी का, यार एक अलग ही बात चीज़ है, क्योंकि वो टेस्ट में कुछ ना कुछ तो बात है। मगर यहाँ का बताऊँ तो जिस वजह से इनके पास वैरायटीज है ना, मैकडी में उतनी वैरायटीज नहीं है, क्योंकि इनकी पास वैरायटी काफ़ी सारी है। टेस्ट में काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। और ये चटनी देख लो, ये शेजवान चटनी है शायद,
और गोभी वो भी भरी हुई है, तो टेस्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। फटाफट से ख़त्म करता हूँ, और जो मुकेश ने खा रहा था वो भी मैं खा चुका हूँ, टिक्की सेजवान था वो भी काफ़ी बढ़िया था टेस्ट में, और मुकेश टिक्का सेजवान भी बहुत बढ़िया हो रहा था टेस्ट में, लाजवाब था टेस्ट। तो इसे फटाफट से ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। तो यार ये हैं बर्गर की वैरायटीज़, तो काफ़ी टाइप के आपको पनीर बर्गर मिल जाएंगे, और ये है क्रिस्पी वेजी आलू टिक्की बर्गर, इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज हैं। इसके प्राइस देख लो, प्राइस लिस्टिंग लगाई हुई है यहाँ पे। हम सब छोटे। और ये है चिकन टिक्की बर्गर, और आपको यहाँ पे फिश फ्राइड टिक्की बर्गर भी मिल जाएगा। और जैसे कि मंगलवार को नॉन वेज नहीं बनता, सिर्फ वेज बनता है, तो ये है यहाँ की कुछ लिस्ट। तो यार मैंने और मुकेश ने दोनों ने बर्गर फिनिश कर दिया है, और यार स्पाइसी था काफ़ी ज़्यादा, जिस हिसाब से दुकान का नाम है उस हिसाब से मैंने भयंकर बर्गर तभी मंगाया था, और उत्तराखंड का स्लैंग भी है तो उस हिसाब से भी मैंने ले लिया, तो कोई डिसाइडेड नहीं था। और बर्गर की काफ़ी सारी वैरायटी थी जैसा मैंने आपको दिखा दिया बोर्ड में, और ये आपका बी ब्लॉक में पड़ जाता है, और इसी के सामने सी ब्लॉक पड़ जाता है। और यार खाने में सही था, और मगर मैकडी से बात करूँ तो कंपेरिजन की बात, तो यार सही बताऊँ तो मुझे मैकडी का बर्गर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, बट यहाँ पर क्वालिटी बहुत सारी है बर्गर की, शायद वो ज़्यादा अच्छे होंगे। और स्पाइसी बर्गर की बात करूँ तो और भी स्पाइसी बर्गर था, मैंने नॉर्मल स्पाइसी बर्गर लिया था, इससे ज़्यादा भयंकर वाला भी था, वो मुझे आइडिया नहीं है कैसा था, बट जो भी था आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। 50 रुपये इसका मात्र प्राइस पड़ जाता है, और आप आ सकते हो, मैंने बताया था मोती नगर का मेट्रो स्टेशन पास में ही है, किसी भी जगह, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुमार समोसे जो काफ़ी फेमस है उसी लाइन में आगे जाएंगे तो वो पड़ जाता है। आई होप यार आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी स्वादिष्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।